Amazon प्राइम वीडियो ओरिजिनल शेरनी शुरू ही होता है शेर के दहाड़ से। यह अलग बात है कि सीन में आपको कुछ और नजर आए, पर शुरुआत से ही आपको लगेगा कि अगले सीन में भरपूर रोमांच देखने को मिलेगा। पूरा फिल्म ऐसा लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप सीन्स या मोमेंट से डिस्ट्रैक्ट होते हो, लेकिन मूवी देखते वक्त कोई भी इससे बंधा हुआ फील करेगा। मध्य प्रदेश का एक घना जंगल और उससे सटा हुआ इंसानों के गांव। जंगल के जानवर कभी कभार इंसानों के गांव में घुस जाता है और इंसान को मौत के घाट उतार देता है। इसी से बचाने के लिए जंगल में नई DFO आती है, और ये DFO है विद्या विंसेंट, जिसने कई साल डेस्क जॉब करने के बाद में उसका मनचाहा फील्ड जॉब हासिल करता है। और इस फील्ड जॉब को करते वक्त उसे बहुत अच्छा लगता है, हालांकि दवाओं के वजह से वो कई बार जॉब छोड़ने की भी बात करती है। विद्या विंसेंट बहुत ही होनहार और काबिल ऑफिसर है, जो सही को सही और गलत को गलत बोलने से पीछे नहीं हटती है। इस जंगल में कई सारे शेर बसते हैं, जिनके अलग अलग नाम भी है। इन्हीं में से एक शेरनी T12 कुछ एक इंसानों को मार देती है, जिससे गांव वाले परेशान हो गए हैं। और इसमें घी डालने का काम करता है पॉलिटिक्स। MLA और अपोजिशन पार्टी लीडर इस मुद्दे को पूरी तरह से पॉलिटिसाइज करता है, जिसमें ये लोग सही गलत कुछ भी नहीं देखते हैं। गांव वाले भी परेशान। वन विभाग का बात सुने कि पॉलिटिशियंस के, उन लोगों को कुछ भी नहीं पता, बस उन लोगों को ये पता है कि उनके लोग एक एक करके मर रहे हैं। विद्या विंसेंट चाहती है कि शेरनी को पकड़ के नेशनल पार्क वगैरह में डाल दे। और इसी बीच कहानी में एंट्री लेते हैं पिंटू भैया, जिनका शौक है शेर का शिकार करना। ये इंसान है, ये इंसान के भेस में राक्षस। ये मूवी देखते वक्त किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। विद्या को सही काम करने में हेल्प करते हैं नूरानी। नूरानी तितली के विशेषज्ञ प्रोफेसर है, पर विद्या के साथ मिलकर जंगल में काम करते वक्त उसे भी अच्छा लगता है। ऊपर से विद्या का एक बॉस बंसल भी है, जिनको खुद नहीं पता उनका काम क्या है। उनका काम डिसाइड उनके बॉस करते हैं, पॉलिटिशियंस या जंगल करते हैं। इन सारे सवालों में जब उनको जो सुहाता है वो उसी को अपनाते हैं। विद्या को उसके काम में उसके सुपर बॉस नांगिया हेल्प करते हैं। जंगल के बीच में रह के कहानी आखिर किस तरफ मोड़ लेती है देखना दिलचस्प होता है। आखिर में क्या होता है? क्या विद्या शेरनी को पकड़ पाती है, या इंसान के भेस में जानवर जीत जाते हैं? कहानी का एंडिंग जानना है तो 2 घंटे से थोड़ा ऊपर का वक्त लेके बैठ जाइए Amazon प्राइम वीडियो के सामने और देख लीजिए मूवी। यकीन कीजिए, ये वक्त आपका कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पूरा सेंसेशनल सीन्स से भरपूर है ये मूवी। हाँ, शुरुआत में कुछ देर तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि कहानी किस तरफ घूम रही है और लोग किसके चारों तरफ घूम रहे हैं, इनके मोटिव क्या है, ये जानने में थोड़ा वक्त लगता है। तब आपको लगेगा कि कहानी खींच रही है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कहानी के अंदर घुस जाएंगे। अच्छे इंसान भी कैसे बुरे बन जाते हैं एंड तक आते आते आपको समझ में आ जाएगा। विद्या विंसेंट का कैरेक्टर में ऑब्वियसली विद्या बालन है, एक पावरफुल पोस्ट, पर कई सारे दबावों के वजह से उस पोस्ट का सही तरीके से इस्तेमाल ना कर पाना और फेस में दिखता एक लाचारी बेबसी उनके कैरेक्टर को पूरी तरह से जिंदा कर देती है। कौवा बिरयानी वाला विजय राज, जो जनरली कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, इसमें नूरानी वाले सीरियस कैरेक्टर को उन्होंने बखूबी निभाए हैं। नांगिया के कैरेक्टर में नीरज कबी, पिंटो जी के कैरेक्टर में शरद सक्सेना, सासू माँ के कैरेक्टर में ईला अरुण और बॉस बंसल के कैरेक्टर में ब्रिजेंद्र कालिया अच्छे एक्टिंग किए हैं। गांव वाले और पॉलिटिशियंस के रूप में आपको नए नए फेसेस देखने को मिलेंगे जो कि अच्छे एक्टिंग करते हैं। इस मूवी का एक खासियत है, इसके हर सीन में ऐसा लगेगा कि अगले सीन में कुछ बहुत ही बढ़िया होने वाला है। जंगल के बीचों बीच की शूटिंग पूरी तरह से नेचुरल लगती है। शेरनी T12 के 2 बच्चे, उन्हें देखने के बाद में भी बहुत ही अच्छा लगता है। ऊपर से मीडिया का नौटंकी आपको पीपली लाइफ का भी याद दिलाएगा। कई सारे नई चीजें देखने को मिलेंगी कि किस तरह से वन विभाग के लोग काम करते हैं, उनकी परेशानी, उनकी लड़ाई, ये सारी चीजें नए लगते हैं। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस न लेके अगर आप ये मूवी देखते हैं तो ये मूवी आपको निराश नहीं करेगी। हमारी तरफ से इस मूवी को जाता है 3 out of 5। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए। कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।